हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे चटपटे से आलू मसाला, जो खाने में बहुत ज़्यादा चटपटा है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ आलू ले लिया है। मैंने यहाँ छोटे साइज़ का आलू लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का आलू नहीं है तो इस रेसिपी में हम बड़े साइज़ का भी आलू को यूज कर सकते हैं। बस उसे आप 4 भागों में बांट दें। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर राई डाला है। तो राई हमारा पक गया है, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और अच्छे से हम मिला लेते हैं। अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं तो आप इसमें आधा चम्मच डालें। मैंने यहाँ कलर वाला डाला है। बॉयल किया हुआ आलू को हम इसमें डाल देते हैं और फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे फिर से हम मिला लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं ताकि मसाला अच्छे से आलू में मिल जाए। तो यहाँ 2 मिनट हो गया है, तब तो वापस से फिर से इसे मिला लेते हैं। तो ऐसा अब मसाला और आलू दोनों पक गया है, तब हम इसमें डालते हैं चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इस रेसिपी को घर पर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही खाने में चटपटा है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें।